मार पर इनका सवाल आया हुआ है। 200 शेयर्स अब 4,819 के लेवल पर इन्होंने ले लिया है, काफ़ी ऊपरी स्तरों पर एंट्री कर ली है। 5,100 तो कंपनी का 52 वीक हाई है, तो काफ़ी ऊपरी स्तरों पर एंट्री कर ली है। संतोष जी सजेस्ट करिए क्या करें, इनके लेवल से लगातार स्टॉक में गिरावट ही है। हालांकि हम देख रहे हैं कि पिछले अगर कुछ महीने का ट्रेंड देखें तो डाउन ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा है ये स्टॉक, और इनका स्तर अभी तक काफ़ी समय से देखने को नहीं मिला है। तो क्या करना चाहिए, इस स्टॉक पर बने रहने की राय देंगे या फिर निकल जाएं, क्योंकि नुकसान काफ़ी हो चुका है इनको इस स्टॉक में। यस, इस स्टॉक में हमने एक अच्छा करेक्शन देखा है, बट अब करेक्शन के बाद ये स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आ गया है। एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रहा है 3900 के आसपास, तो मुझे लगता है यहाँ पर इसमें निकलना नहीं चाहिए। थोड़ा पेशेंस रखिए रखिए, हो सकता है मोमेंटम इतना शार्प ना मिले, बट आने वाले समय में इनको इनके लेवल्स वापस आते दिखेंगे, तो फॉर टाइमिंग इन्हें होल्ड करना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको एवेन्यू सुपरमार्ट्स पे दे दी गई है, फिलहाल बने रहने की राय दी जा रही है स्टॉक में। एक और स्टॉक है इनके पास, सुप्रिया लाइफ साइंसेस, यहाँ पर भी इनको नुकसान ही हो रहा है। 1,000 शेयर्स 395 के लेवल्स पर लिए हुए हैं और इनके स्तरों से काफ़ी टूट चुका है। इनफैक्ट पिछले 6 महीने में ही अगर देखेंगे तो 33% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है, और इस वक्त अपने 52 वीक लो के आसपास कारोबार कर रहा है सुप्रिया लाइफ साइंसेस का शेयर। यहाँ पर राय दीजिए सौरभ, ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको, सुप्रिया लाइफ साइंसेस, नुकसान काफ़ी हो चुका है, अभी भी बने रहने की राय देंगे या फिर निकल जाए स्टॉक से? देखिए, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी नहीं आ रही है। इस तिमाही में भी जो नतीजे आए थे वहां पर थोड़ी वीकनेस देखने को मिली, मार्जिन प्रेशर देखने को मिला, और कहीं ना कहीं एक ये जो स्पेस है यहाँ पर ऐसे भी सेलिंग बना हुआ है और वैल्यूएशन करेक्शन भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी अर्निंग साइड से तो कोई विजिबिलिटी नहीं दिखती कि कैसे इंप्रूव होगी, कब इंप्रूव होगी, कोशिश करें निकलने की। की कोशिश करनी चाहिए। शेयर से आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश से चंदन हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। चंदन नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। सर मेरे पास मतलब दूसरी अडानी गैस के शेयर हैं, और शायद लग रहा है कि चंदन अभी मोटरसाइकिल पे ट्रैवल भी कर रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो भाव है वो है 302 रुपये का, और अब ये शेयर ट्रेड करा 3628 रुपये पर, 39 रुपये के आसपास तक ये पहुंचा था। तो भयंकर जिसको मुनाफा कहते हैं वो हो रहा है 2000 की क्वांटिटी, और आप देखिए प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा इनको मुनाफा हो रहा है, करीब करीब भाव के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा। इसको अगर आप काउंटिंग करना चाहें तो इतने डिजिट्स इनके एक बार में आप जोड़ नहीं पाएंगे। सौरभ जी, अडानी गैस, इस पर क्या व्यू होगा आपका, और 300 रुपये की खरीद है चंदन की, अभी क्या होल्ड करें या फिर इतना जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे? मुझे लगता है तकरीबन 70 से 80% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो बहुत ही महंगा स्टॉक है और आने वाले कई सालों की ग्रोथ को ऑलरेडी प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पर जरूर मुनाफा बांध लेना चाहिए। तकरीबन 70 से 80% आपको क्वांटिटी बेच लेनी चाहिए। अनि गैस को लेकर ये व्यू।